नाथ ने पूरे प्रदेशवासियों सहित गोरखपुर की जनता को भी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए परंपरागत तौर तरीके से इस त्यौहार को मनाएं और शांति बनाए रखें। तत्काल बाद विजयदशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयदशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयदशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयदशमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए रामराज्य की स्थापना की थी। रामराज्य की उस अवधारणा को जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।